अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त राना फ़हीम अशरफ़ के घर खड़ा हुआ हूँ, उनके घर के। आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनकी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, क्या वो करते हैं, कैसे अपना लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। फूल नगर का ये इलाका है, फूल नगर में इन्होंने अपना घर बनाया। काफ़ी क्रिकेटर्स जो उनसे हैं शिफ्ट होके फौरन लाहौर आ जाते हैं, तो ये अभी अपने गांव में ही हैं, भाई गांव है इनका ये फूल नगर। तो आइए आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको मिलवाता हूँ फ़हीम अशरफ से। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है सर? सर आज हम वेबर्स को दिखाने लाए हैं आपका पहली दफ़ा घर, तो आप हमें थोड़ा अपना घर विज़िट कराएं कि कैसे आप बैठते हैं, एक्टिविटी क्या है, आपकी रूटीन क्या है। तो आज ये नाज़रीन राना फ़हीम अशरफ साहब हैं, इनके घर आए हैं ये। आज आपको पहली दफ़ा हम इनका आपको घर दिखाएंगे कि इनका घर क्या, इनकी एक्टिविटी है, घर कैसा है, क्या क्या इन्होंने सुवेनियर संभाल के रखे हैं, कौन सी ट्रॉफी हैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, चलें। दिखाइए भी, ये आपका पहला एंट्रेंस पे ये मेहमानों के बैठने के लिए है, दोस्तों के मेहमानों के बैठने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पर इनको लेके बैठते हैं, हाँ, गपशप करते हैं। इधर ही गपशप सब कुछ, जो मजाक हंसी इधर ही है। राइट साइड पे आपकी मस्जिद बनी है। अच्छा, छोटी सी घर के लिए मस्जिद भी इन्होंने बनाई है। ये आपको दिखाते हैं घर के अंदर ही फ्रेंड्स बैठते हैं, इनके दोस्त बैठते हैं यहाँ पर, और साथ ही अगर नमाज के लिए तो ये मस्जिद इन्होंने घर में ही बनाई हुई है। बड़ा ज़बरदस्त है एक ये इकदाम इनका। और ये सिटिंग है ओपन एरिया की। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका सिटिंग एरिया है। यहाँ पर देखिए, ये कब कब की आपने यादें संभाल के रखी हुई हैं? यहाँ पे थोड़ी लगी हुई हैं यादें, यहाँ पे ज्यादा बुक ही लगी हुई हैं पिक्चर्स। अच्छा, मेरी यहाँ पे थोड़ी हैं। अच्छा, तो ये मतलब दोस्तों को जो बैठने का ना, जो डेरे में मेहमान आते हैं वो इधर बैठते हैं, डेरा टाइप। हाँ जी, डेरा टाइप जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये अबू की लगी हुई है पिक्चर्स, 1970s कुछ की। अच्छा, 74 पंजाब यूनिवर्सिटी की, 77 की। अच्छा, वो उनका लाइसेंस। अच्छा, ये उनका वो लाइफ के जितने। हाँ जी, वो उनका लाइसेंस है हाई कोर्ट का, ये अबू की पिक्चर्स है। अच्छा, आपके वाले साहब भी लॉयर हैं? हाँ जी, माशाल्लाह। और भाई भी आपके एक लॉयर? मेरे दो भाई लॉयर हैं। दो भाई लॉयर हैं और आपके वाले साहब भी लॉयर हैं, माशाल्लाह। और ये आपकी, और ये मेरी कुछ हैं इंग्लैंड की टेस्ट मैच की, जिम्बाब्वे अबू धाबी की है, जिम्बाब्वे वो एशिया कप की है, PSL की कुछ है और डोमेस्टिक की है। बड़ा जबरदस्त। और ये आपकी ट्रॉफीज भी? ये शील्डें हैं जो सारी इधर। अच्छा, ये वो स्टार्ट वाली हैं जो आप पहले जब क्रिकेट शुरू किया? ये क्लब की है और जो इधर की सारी हैं। तो प्रैक्टिस वगैरह भी आप हमें दिखाएंगे? हाँ जी जरूर, प्रैक्टिस की भी मैंने घर ही बनाया हुआ सारा। अच्छा, घर ही आपने ये सारा सेटअप किया? हाँ जी। सही है, यानी कि आपके इधर फूल नगर में वैसे आपके कोई ऐसा है सिस्टम कि आप प्रैक्टिस इससे पहले करते थे, घर अभी बनाया गया, पहले से ही आपने ये प्रैक्टिस का सिस्टम घर बनाया? नहीं, जब से मैंने ये, हमने जो जगह ली है ना, तो तब से ही मतलब घर बनाने का सोचा, तब से ही प्रैक्टिस के वहाँ पे जगह बनाई है। लेकिन फूलनगर में था, एक स्टेडियम है अभी भी है, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड की कुछ इतनी अच्छी हालत नहीं है कि वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो। बस ये है कि तो आप कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो यंगस्टर हैं उनके लिए, कोई क्रिकेट से रिलेटेड है, कोई ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए? मैं तो इनके लिए कुछ 2 साल से कर रहा हूँ, हमारे जो इधर के हैं राणा साहबान जी, वो उन्होंने स्टेडियम दिया हुआ, वो कोशिश करते हैं। लेकिन उनके अलावा मैं पर्सनली खुद जो है जितना कर सकूं, हम खुद अपने क्लब क्रिकेट रन करने के लिए करते रहते हैं। उसके अलावा अगर किसी हाँ जी किसी को मिलना है तो मिल तो लेते हैं, बाकी उनकी मर्जी होती है वो काम करें ना करें, तो फिर हम कोशिश करते हैं खुद ही काम कर लें जितना ग्राउंड के लिए करना है। माशाल्लाह, आपका घर बहुत प्यारा है, अभी बाजी तो आया जी, शुरू से देखा है, बहुत बड़ा घर है। और अब नाज़रीन, हम कहाँ जा रहे हैं? ये इस गेट से रहायशी अंदर है, इस गेट से जो बाहर गेट है इस पे आपकी मतलब फैमिली रहती है? हाँ जी, ये प्राइवेसी, इससे आगे रहायश है, यहाँ तक डेरे का ये सब कुछ है जो बैठने वाला। अच्छा, ये आपकी जो रिहायश है? हाँ जी, ये आप मतलब अपने जो फैमिली रेजिडेंस? जी जी, ये घर है, ये घर का मेन गेट है एंट्रेंस का, ये इससे था, इससे आगे दोस्तों के लिए बैठने के लिए जितने मिलने आते हैं ये दोस्त, ये इससे आगे सब कुछ है और इसके अंदर सारा फैमिली का है। तो आपकी रंसर कोई हैवी बाइक भी रखी है जिस तरह अक्सर? हैवी बाइक अब्बू नहीं रखने देते, अम्मी खास तौर पे नहीं रखने देते कि वो मतलब खतरा है। अम्मी ये दूसरी जो बाइक है ये नहीं चलाने देते। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो बाकी स्पोर्ट्स के जितने हैं ज्यादा, इनके पास एक स्पोर्ट्स बाइक का
बड़ा चस्का जिस तरह वो देखो गाड़ी गाड़ी का शौक है, गाड़ी से वो मना नहीं करते, बाइक नहीं बस रखने देते। अच्छा, ऐसे आपने देखा बाहर जो था वो जेंट्स का लोन था, ये लेडीज लोन है। अच्छा, ये यानी कि फैमिली के लिए। हाँ जी। जब वो उन्होंने बैठना हो। जी जी। और माशाल्लाह ये अंदर आपने कोई ये सब्जियां लगाई हुई हैं। अच्छा, सब्जियां भी लगाई हुई हैं। ये इसको कौन टेक केयर करता है? ये माली रखा हुआ है इधर। और मगर वैसे फैमिली में किसको इतना इंटरेस्ट? अबू अबू को बहुत है, अबू क्योंकि खुद अबू पहले खुद भी करते रहे ना, तो इसलिए अबू को बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो मर्जी आप लोग उगा ले, यहाँ पे अभी लहसुन है, पालक है, साग गाजर, उसके बाद धनिया, मेथी। मेथी तो हमारी मतलब काफी अपनी है घर की, वो आगे सारी गाजरें हैं। अच्छा, वाह जबरदस्त। प्याज भी घर का ही है। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से लेके और इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपके वो लेफ्ट साइड पे मटर लगे हैं, वो आगे गाजरें हैं, ये पालक, जबरदस्त, सब कुछ इधर ही लगाया हुआ है। अच्छा, अब हम ये आपका एक और घर इसी के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है? जी, ये अंदर ही हो रहा है, ये बड़े भाई है। अच्छा, ये बड़े भाई बना रहे हैं अपना। अच्छा। ये भी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह इसी साल ये कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने अभी आगे देखा था जिस बड़े भाई। जी 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 जी। और घर के अंदर ही घर। हाँ जी, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा माशाल्लाह घर है। बस जी, नसीब करे या आपका खाना और आपकी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आगे अब इसके बाद ये अगर हमने क्रॉस किया आपका रेजिडेंस एरिया और अब ये स्पोर्ट्स का एरिया शुरू हो जाएगा। हाँ जी, अब इसके बाद प्रैक्टिस एरिया शुरू हो जाएगा। ये जो गेट लगाए हुए, ये मतलब ये प्राइवेसी एक तो है। अच्छा, कि जब हम लोग इधर होते हैं तो ये बंद ही रहते हैं। ठीक ठीक। और ये अच्छा, अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाए हुए। अच्छा, वाह जबरदस्त। अच्छा, ये आपकी पिच है सीमेंट की? जी, दोनों है, दोनों सीमेंट की। अच्छा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर मैट बिछा देते हैं। अच्छा, वो ग्रास। हाँ जी, हाँ जी, वो इनडोर वाला जो होता है। हाँ जी, तो फिर इस पर इस मशीन के लिए और ये बॉलिंग के लिए, ये इस पर बैटिंग कर लेते हैं और इधर बॉलिंग कर लेते हैं। और अपने रनअप के हिसाब से अपना पूरा ग्राउंड बना लिया था। अबू पूछ रहे, अबू पूछ, जब मैंने बोला, अबू कहते हैं जितनी जगह चाहिए रख ले, मैंने कहा मुझे चाहिए इतनी सी है। मतलब आपका स्टार्ट जी। हाँ जी, मेरा स्टार्ट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता जी। तो आपके साथ कौन कौन प्रैक्टिस कराता है? ये आपके फ्रेंड हैं? हाँ जी, ये आते हैं बस थोड़ी, बस जब शौक हो तो आ जाते हैं। ये आ गए जो साथ प्रैक्टिस करते हैं भाई जान। अच्छा, ये आपके फ्रेंड हैं, ये प्रैक्टिस आप करते हैं? ये है एक और दोस्त है और मेरा छोटा भाई है। अच्छा, यानी कि भाई भी आपका साथ है। हाँ जी, वो बैटिंग करते हैं या नहीं? वो बैटिंग करते हैं। बैटिंग करते हैं। कितनी एज है उनकी? वो तो होगा 22। तो अभी 23. वो कहीं डोमेस्टिक या किसी नहीं, नहीं उसको मैं खेलने नहीं देता, तो वो स्टडी कर रहा है, तो मैंने उसको कहा तू अपनी स्टडी कर, वो बेहतर है। स्टडी आप नहीं उसको? नहीं, मैं खेलने, मैं उसके इस हक में कि वो भी इधर आए। क्रिकेट लाइन में नहीं आप उसको? क्रिकेट मुश्किल है, मैं कहता हूँ क्लब क्रिकेट खेलनी है खेलो, प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं तुझे मैंने खेलने देनी। अच्छा, बाकी वो सिविल इंजीनियर बना है माशाल्लाह, तो मैंने कहा अपनी कंपनी बना, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा इंशाल्लाह। लेकिन क्रिकेट का ये है, क्रिकेट देखने में अच्छी है लेकिन क्रिकेट की, क्रिकेटर की जो लाइफ है वो काफी मुश्किल है। क्या उसमें आपको मुश्किलात वैसे आई हैं इतनी कि जिसमें आप अपने भाई को ही अब रोक रहे हैं? देखें, अभी 2022 है तो मैं क्रिकेट मैंने खेल रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट जो खेली है मैंने 2009 में खेली है, 9 में खेली है, फिर मैंने 10 में खेली है, उसके बाद मैं रीजन खेला हूँ 11 में, 10 के बाद मतलब 10 में खेली है मैंने डिस्ट्रिक्ट अपनी, अंडर 19 का पहला साल था, फिर 11 में खेली है, 12 में खेली है, टॉप की है बैटिंग। अच्छा। में डिस नहीं नाम आया, डिसहार्ड हो गया, एक बार छोड़ दी, फिर क्लब वालों के कहने पे फिर मैंने ट्रायल दिया सीनियर डिस्ट्रिक्ट, फिर टॉप किया मैंने, फिर मैं फर्स्ट क्लास खेला 14 में, फिर टॉप किया, फिर नाम नहीं आया, फिर ऐसे। इसलिए है ना कि पाकिस्तान में थोड़ा सा है हमारा ऐसा, मतलब वो जो जिस जो डिजर्व करता है वो जल्दी मुश्किल। हाँ, ये पाकिस्तान में है कि आप जिस टीम से खेल रहे हैं या जिस रीजन या डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं उनकी सपोर्ट आपको चाहिए होती है, उसकी ना हो तो फिर इंसान को चांस जो है वो वैसे नहीं मिलता। आप अपने भाई को भी इधर रखे हैं किसी और लाइन, क्योंकि मैं, मेरी थोड़ी तबीयत, थोड़ी सी मैं नरम तबीयत का हूँ, वो मेरा छोटा भाई गुस्से वाला है। अच्छा। और मुझे पता है कि वो अगर वो खेलने गया उसने किसी ना किसी से, वो इधर क्लब क्रिकेट में लड़ाई कर लेता है, ये अपने दोस्तों के साथ वो लड़ाई करता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ आपका ये घर खत्म हो गया कि इसके नहीं, इसके पीछे भी है ये, इधर क्या है? ये जानवरों के लिए जगह है, इससे आगे हवेली बनाई हुई है, मतलब अपना वो पोल्ट्री टाइप छोटा सा। हाँ जी, क्योंकि इसका भी शौक है, हमने शुरू से रखे हुए थे, यानी कि सब्जी और चिकन वगैरह ये घर से निकाल लेते हैं, जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ घर में ही रखा हुआ है। हाँ जी, बस घर में कर लेते हैं। हाँ जी, सही है। और हमें जरा अपना वो पोल्ट्री विजिट करवाएं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि आप भी दोस्त हैं इनके। हाँ जी, ये भी हमारा, ये उस भाई को लगा है। अच्छा, आपको लगा जोर से। हाँ जी, इस और इस भाई का आजकल डायलॉग चल रहा था,
तेरा बड़ा नाम सुने तेरा बड़ा नाम सुने अच्छा वही डायलॉग आज इस पे लगा असि क्या तेरा बड़ा नाम सुने अब नाम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं सुन रही है वहां सुन रही है नाम चले जबरदस्त ये यहाँ प्रैक्टिस एरिया है जी राणा फहीम अशरफ साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया हुआ कि घर में ही अपनी प्रैक्टिस वैसे आप मतलब रूटीन से करते हैं हाँ जी आपका कोई आगे इवेंट है नहीं है तो ये तो आप ये, हाँ जी ये तो आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन की कोई इवेंट आए या ना आए तो प्रैक्टिस हमें ज़रूरी है करते रहते हैं हम अच्छा मुझे बताएं सारे जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जब भी वो उनके मतलब क्रिकेट में आते हैं माशाल्लाह तो वो सबसे पहले लाहौर या डिफेंस में घर लाजमी बनाते हैं तो आपका अभी तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि आपने लाहौर या आपने अपने भाई घर में ही अपना घर बनाया हुआ है नहीं तो क्या वजह आपको शौक नहीं है उधर लाइफ देखें जी लाहौर इधर से ज़्यादा दूर नहीं है एक घंटे की ड्राइव है तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो इलाका है मैं वहाँ पे ही अपना ना टाइम गुजारूँ मेरे हाँ जी जब से पार्टीशन हुई है तो मेरे बड़े इधर ही आके बसे हैं तो एक तो ये बड़ा इधर इस ज़मीन से इस जगह से इस सिटी से मेरा है तो इसलिए भी मेरा दिल नहीं करता ऊपर से मेरी सारी फैमिली इधर है मेरे दोस्त इधर है तो इस वजह से उधर कोई सेटअप शुरू ही नहीं किया बनाया ना कोई दोस्त इतने बने ना कोई इतने जाने के जिनके साथ मगर टाइम आप यही स्पेंड करते हैं हाँ जी मेरी कोशिश यही है देखो टाइम इधर ही गुजारूं आपको इन चीजों का कितना शौक है खुद जाती है तो चलो वालिद साहब को तो है ही मुझे खुद भी शौक है मैं आपको बताता हूँ मैंने अब्बू कह रहे थे कि जहाँ पे जमीन है वहाँ पे बना लें यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप रख लेते हैं कि सिर्फ घर दूध पीने के लिए जी तो मैंने फिर अब्बू से कह के ना थोड़ी सी जगह यहाँ पे ज्यादा करवा ली थी ताकि इन फ्यूचर अगर मेरा दिल हो तो मैं ज्यादा जगह मतलब यहाँ पे ज्यादा जानवर रख सकूँ आपको लगता है आप काफी देर बाद आए इधर मैं इधर कम ही आता हूँ अच्छा तो राणा साहब ये चाहेंगे जो कभी आपने ये वो दूध वगैरह इस तरह हाँ जी वो मैंने दो तीन बार खुद दूध निकाला हाँ जी हाँ जी पहले दिन तो नहीं था मुझे इसे निकालना रहा लेकिन उसके बाद मुझे अभी तरीका है हाँ जी खास ट्रिक है ठीक आम बंदा तो इसे बस खींचता रहेगा कि निकले लेकिन वो नहीं है वो सिर्फ नॉर्मल आराम से अगर आप वो करेंगे तो दूध निकलेगा मुर्गियां भैंसें और ये बकरे ये ईद के लिए आप पालते हैं कि वैसे ही आपके ईद के लिए भी हो जाते हैं वैसे भी हो जाते हैं अच्छा वैसे भी हो जाते हैं अच्छा ये आपका पोल्ट्री का एरिया है दूध अभी अभी इंशाल्लाह इसको ना अपग्रेड करना है इस साइड को ना अभी ये बना दिया अपग्रेड करनी है ये तो और चीजें भी रखने का प्लान है कोई और अब्बू को लोग मशवरे देते रहते हैं कि क्या वो रख अब्बू का है कि मैं कुछ परिंदे भी रखूं यहाँ पे अब्बू का बड़ा शौक है यहाँ इसके लिए आप अभी कोई ऐसा मतलब चाह रहे फार्म हाउस आपका कोई है अभी बना हुआ या बनाना चाह रहे कि पूल शूल हो पूरा पूल शूल के लिए मैंने घर में ना फ्लो उसके रूफ के ऊपर अच्छा, उसके लिए हाँ छत के ऊपर मैंने किया हुआ है बना हुआ है आपका हाँ वह वहाँ पे किया हुआ है लेकिन अब भाई कहता है कि यहाँ बाहर करना है उसके लिए जमीन पे ये बाहर ही जहाँ पर ये वो सब्जियाँ वगैरह टाइप लगी इस साइड पे यानी कि ऑलरेडी आपने पूल शूल बनाया है मगर आपने सिर्फ फ्रेंड्स का भी कोई वो फार्म हाउस नहीं ऊपर बनाया नहीं वहाँ वो ऐसा कुछ नहीं है बस ये जो जमीने हैं जहाँ पे सब्जी सब्जी सब है वहाँ पे अच्छा, वैसे ही काम करते हैं बात का आपने हमें क्लियर नहीं जवाब दिया कि आपने लाहौर क्यों नहीं घर बनाया यानी कि ये तो आपके दोस्त दोस्त हैं मगर एक वो हर मतलब ये तो आपको इस जगह से प्यार है बस ये कि यानी लाहौर मैं वही कह रहा हूँ कि लाहौर इधर से दूर नहीं है लाहौर हमसे कोई 20 किलोमीटर से शुरू हो जाता है जी तो सारा आप देख लें बैरियर टाउन इधर से आधा घंटा है तो यही है कि मेरा मैं कहता हूँ अगर लाहौर जाना भी हो ना मैं दिन में दो या तीन मरतबा भी जाना हूँ मसला नहीं है तो इन फ्यूचर भी आपका कोई इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत हुई तो क्योंकि लाहौर में तो आप छोटे से छोटे घर में भी रह सकते हैं लाहौर में रहने का इतना मसला नहीं है